हम उस जगह में पहुंचे और जो हमारे मुकर्रर हजरात है उनकी बातों को सुने, सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि सुनने के साथ साथ हम उनकी बातों को अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी काम हो एक जबान और एक हाथ, एक जो जबान और हाथ है इसमें बहुत फर्क है। करके दिखाए सुन के नहीं, सुनने को तो हर चीज मिलती है, सुनने को तो दाना भी मिलते हैं, सुनने को तो गाली भी मिल जाती है, लेकिन क्या आपसे गौर किया है कि हम ऐसी बातों को सुने जो हमारे लाइफ को बना दे, हम ऐसी बातों को सुने जो हमारे जिंदगी सवर जाए, हम ऐसी तकरीर को सुने, हम कुरान की तिलावत को सुने जिससे हमारे जिंदगी बन जाए। सामने करा आज हमारे माशरे के नौजवान, आज हमारे सोसाइटी के नौजवान बहुत ही नाजुक हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप गौर करें, आप लोग आप लोग उर्दू जबान समझते हैं ना? हाँ इंशाल्लाह समझेंगे और गौर करेंगे बातों पर, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग कुछ बातें बोलें और आप लोग मेरी बात पर अमल कर लें, अमल कर लेंगे इंशाल्लाह मेरी भी जिंदगी बन जाएगी, आपकी भी जिंदगी बन जाएगी और मेरा भी कयामत का जरिया बन जाएगा और आपका भी कयामत का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक किताब में इसमें नसीहत मैंने दिखा कि आप लोग क्या करो, नसीहत को सुनो, नसीहत को सुनो और वो अमल दिखा और उसको उस पर अमल करो, क्योंकि सुनना और अमल करने में बहुत फर्क है, सुनिए और उस पर अमल करे। इसलिए जरूरी है कि कोई भी तकरीर हो, कोई भी अच्छी बातें हो उसको सुने आप लोग। सामने करा एक जरूरी बात यह है कि समाज के जो नौजवान है, हमारे जैसा आपके जैसा जो नौजवान है, अगर ये नौजवान सुधर जाए, अगर ये नौजवान नमाजी बन जाए, अगर ये नौजवान रोजे रखे, मुकम्मल रोजा रखे, अगर ये नौजवान मतलब दीन इस्लाम के जो कानून है उस पर अमल करे, तो सोच लीजिए कि पूरी जिंदगी सवर जाएगी आपकी, आप ये समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी बन जाएगी आपकी, दुनिया सुधर जाएगी, आपका घर सुधर जाएगा, आपकी सोसाइटी सुधर जाएगी। क्योंकि आज हमारे माशरे में जितनी सारी बुराइयां होती है हमारे नौजवान की वजह से होती है, ना कि बूढ़ों की वजह से होती है। क्योंकि जब हमारा दीन इस्लाम फैला था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन इस्लाम कबूल करने वाले थे वो भी नौजवान थे, हजरत उमर भी नौजवान थे, हजरत अबू बकर भी नौजवान थे, हजरत उस्मान भी नौजवान थे, हजरत अली भी नौजवान थे। ये नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारा समाज सुधर सकता है, अगर हमारे जैसे नौजवान नहीं सुधरे तो दोस्तों याद रखे हमारी सोसाइटी बिगड़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें, सही तालीम दें। मैं इससे पहले भी एक जुमला कह चुका हूँ कि अवर चिल्ड्रन इज अवर फ्यूचर, हमारे बच्चे क्या है हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम बच्चे को छोटे से सही तरबियत दें आगे चल के वो बच्चे हमारे मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकता है और आखिरत का खसारा बन सकता है। दोस्तों मैं यही सब अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब तमाम मुसलमान भाइयों को दीनी कवानीन और ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज के जो नौजवान है उन नौजवान को तेरे कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों को खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब तमाम मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाहिद अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।